विखे किसान अंदोलन में डटे किसान वीरों, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले 64 दिन तो तुसी एडी शिद्दत नाल, एडी अणख नाल, एडे सबर नाल, ते एडे संजम नाल सारे मोर्चियां उत्ते डट के जिथे पंजाब दा किसान, हरियाणे दा किसान, यूपी, उत्तरांचल, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, दूर दूर तो भी किसान जिन्ने आए है सारे पूरे सबर दे प्याले दे नाल बड़े शांतमई तरीके दे नाल उत्थे संघर्ष कर रहे हैं। पर अपने संघर्ष नूं शांतमई नूं सरकार एक हिंसा दा रूप देने वास्ते बहुत अतावली है। सिंघू बार्डर भी कल उन्होंने आपके किराए के गुंडिया तो लड़ाई झगड़ा कराया, टिकरी बार्डर भी लेके आए। अते तुसी ये देखो सारे दिहाड़ीदार बंदा अगे 15-20 मीडिया लैके आम तुसी साढ़े लीडर दे जो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई प्रोग्राम हुंदा उत्थे वो विकाऊ मीडिया नहीं आउंदा। एक दिहाड़ी करन वाले बंदे दे अगे 20 बंदे आपदे कैमरे के घूमदे आ, ते ये तुसी आप ही समझ लो किड्डी वड्डी चाल है देश दी राजधानी दे विच हिंसा भड़का के इस किसान अंदोलन नू सारी दुनिया ते जिथे वाह वाह हो रही है इस नू बदनाम करके ते किसान दे मत्थे ते एक कलंक मिटाउण लई बीजेपी सरकार जिहड़ी के दंगे कराउण दे विच आपदा नां सारे वर्ल्ड च मशहूर कर चुकी है। सो मैं अज आया उत्थे 65 दिनां तों 64 दिनां तों किसान वीरो कोई उत्थे किसान मायूस नहीं, दोबारा मोर्चा चढ़दी कला च है, कला उत्थे वाहिगुरू दी वरती। जदों राकेश टकैत नूं पुलिस फोर्स फड़न आई ते सिख सरदारां ने बेनती कीती वी तुहाडे अंदर जाण नाल साडे उपर अत्याचार होऊगा, ओह इंसान डट गया। परमात्मा ने उहदे अखां चों निकले हंझू, सारा यूपी हरियाणा उहदी आ के पिठ ते खड़ गया और जिहड़ी मोर्चे दी दशा बदल गई। और जिहड़े अपने परिवारां दे आपां नूं पिछे फोन जा रहे हैं वो सिर्फ विकाऊ मीडिया की बदौलत है जिहड़ा कि यह दर्शा रहा भी उत्थे ये हो गया, उत्थे वो हो गया, रात नूं फोर्स आजू, कुछ नहीं होया। सरकार की बड़ी वड्डी चाल है, पहला इन्होंने नैट बंद किया, फिर नैटवर्क बंद किया। अज सानू पता लग्या गाजीपुर की चढ़ाई सारी दुनिया होगी, उहदा भी इन्होंने नैटवर्क ते नैट बंद करता। सो वीरो उत्थे वाईफाई चलता है, उहदी वरतों करो, आइडिया दे सिम लैके जाओ। जिहड़ियां तुहानूं मीडिया दीआं कोई खबरां थोड़ियां जां स्लो होईआं, 60-65 दिनां तों जिहड़े बंदे उत्थे अपने पंजाब दे चैनल है प्रो पंजाब है, ऑन एयर है, प्राइम एशिया, जीत वैब टीवी, RPD है, सारे चैनल उत्थे पूरी शिद्दत नाल रहे। उहनां दीआं नवीआं पार्टियां गईआं, वो मुंडे घरे आ गए और उन्होंने भी अपन किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। जिहड़ा बंदा उत्थे अगे हो के मीडिया दे विच खबर बनाउंदा ते सब तो पहला डला उहदे वजदा, कोई उहदा सिहरा जिहड़ा स्टील दा नहीं बनाया हुंदा। इस करके सारे नौजवानों नूं दुबारा अपील करते हैं इस मोर्चे च डट जाओ, हरियाणा अगे नालों वध आ गया, उही लंगर, उही जाहो जलाल, गुरु दीआं बख्शिशां। सुबह आए हैं सिंघू भी चढ़दी कला च है, टिकरी भी चढ़दी कला च है, ते गाजीपुर तां सारी दुनिया दे विच अज एक नंबर ते है, राजस्थान वाले वीर भी चढ़दी कला च है। सो नौजवानों नूं अपील है दुबारा ट्रैक्टरां लैके आओ, उही सौंग तुसीं लाओ। जथेबंदियां नूं असीं अपील कर चुके हैं भी मुंडियां नूं हुण रोकणा नहीं, वह आपदे वेले बह के नैट इत्थे बंद है, होर विचारे करन की, जे कोई सौंग ला के 2 मिंट वह भी सौंग की है, सौंग किसानी नूं समर्पित है। तो वारा अपने बचित्र सिंह नूं सुनाईआं गईआं जदों हाथी नाल लड़ाया सी, ते जो कोई सौंग सुन लू असीं नहीं तुहानूं कहिंदे भी ये ना सुनो। तो दूजी बेनती यह है 19 जनवरी नूं असीं एक खंडपुर साहब बुक कराया सी किसान मोर्चे की जित होवे, ये कोई कल्ले घर की गल नहीं, ये सिर्फ किसान मोर्चे की जित होवे। जिहड़े उत्थे मोर्चे 'च डटे है
किसान वो चढ़दी कला च रहन, जिहड़े शहीद हो गए उन्हां नूं परमात्मा दे चरणां च लाभ निवास बख्शे अते उन्हां दे परिवारां नूं भाणा मनन दा बल बख्शे। 2 फरवरी नूं 8 बजे अकाल तख्त साहिब दी बैक साइड शहीद बाबा गुरबख्श सिंह गुरद्वारा साहब दे विच खंडपाड़ साहब ते भोग पाउण उपरंत अरदास होगी। सारे किसान वीर, मजदूर वीर, आड़ती वपारी जो ये काले कानून नाल प्रभावित होणगे जरूर अरदास शामिल होकर अरदास करियो कि काले कानून रद्द होण ते परमात्मा किसान मजदूरां ते सारिआं ते आपदी कृपा बरसावे और उत्थों दी कीती हुई अरदास बिरथी कदे ना होए। कीती जनकी अरदास जदों हुकमनामा साहब आऊगा ते आपे ही परमात्मा आपदी कला वरता के ये काले कानून रद्द होणगे ते देश दा किसान मजदूर वपारी फिर खुशहाल होऊगा। एवें किसे दीआं शंका च नहीं आउणा, कुछ नहीं उत्थे होया, सारा मोर्चे चढ़दी कला च ते ढहिंदी कला की कोई गल नहीं करनी। इनियां बेनतियां नाल तुहाडा अपना चरणजीत संधू सरपंच सक्कां वाली, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।